नमस्कार साथियों, अभी मैं समेली प्रखंड अंतर्गत खैरा पंचायत का जो भवन है देख सकते हैं, पंचायत भवन खैरा, यहाँ मैं अवस्थित हूँ। यहाँ पे मीटिंग चल रही है। आखिर क्या चीज का मीटिंग है, हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं और जानना चाहेंगे क्या चीज का मीटिंग है। चलिए आइए देखते हैं अंदर की तस्वीर। तो अंदर मैं प्रवेश कर चुका हूँ। यहाँ पे जो मीटिंग हो रही है आप देख सकते हैं, भीड़ लगी हुई है। पंचायत के वार्ड सदस्य भी आए हैं, पंचायत समिति आए हैं, सब आए हुए हैं। तो आप चलिए दिखाते हैं, तो हम पूछना चाहेंगे। तो आए हैं बाहर से टीम, तो सबसे पहले बताइए सर, क्या चीज का यह मीटिंग चल रहा है? ये भी क्या चल रहा है, जल योजनाओं का जी। तो इसका क्या उद्देश्य है, जल योजना का जो आप लिखवा रहे हैं, सबसे क्या चीज, क्या उद्देश्य है? लिखवाने रहे हम लोग खुद डोर टू डोर जा करके, जल नल योजना जो चल रही है उनके यहाँ पानी पहुँच रहा है कि नहीं, पानी का रंग कैसा है, पानी का स्वाद कैसा है, कितने घंटे तक पानी देता है, इस चीज का हम लोग अंकेक्षण करके प्रतिवेदन बनाते हैं और प्रतिवेदन बना के ये ग्राम सभा जन सुनवाई में प्रस्तुत करते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम नरेश पासवान हुआ। कहाँ से आप लोग आए? हम लोग DRDA कटिहार सोशल ऑडिट टीम है, जिला से हूँ। सर आपका नाम? रास बिहारी मंडल। तो ये जो सुनवाई हो रही है इसका कब तक हम लोगों को समाधान देखने को मिलेगा? देखिए, हम लोगों का काम है जो रिपोर्ट बनती है उसको जिला में अग्रसारित कर देना। अब क्या होगा नहीं होगा वो विभाग का काम है, वो हम लोगों का काम नहीं है। तो आप देख सकते हैं, तो मैं पंचायत समिति, हमारे खैरा पंचायत के पंचायत समिति है, तो मैं भी उनसे कुछ पूछना चाहूंगा। आप भी आए हुए हैं, तो आप बताइए क्या चीज का समस्या था? समस्या था नल जल योजना का। तो समस्या आप लिखा दिए वहाँ? हाँ लिखा दिए। तो और बताइए, अब आप जो यहाँ आए हैं और अपने बारे में बताइए, खैरा पंचायत के बारे में बताइए कि क्या क्या होने वाला है, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है, नल जल योजना में पानी सही तरीका से नहीं दिया जा रहा है, पीला पानी दिया जा रहा है। तो देख रहे हैं, जनप्रतिनिधि का लाजमी है आक्रोश होना कि लोगों को पानी का लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए आप देख सकते हैं। और खैरा पंचायत के वार्ड 12 के प्रतिनिधि हैं और विनीत कुमार जी, इनकी पत्नी वार्ड सदस्य है और ये आए हैं उसके बदले में। तो बताइए विनीत जी, क्या समस्या था? मेरा नाम विनीत कुमार हुआ, मैं खैरा 12 वार्ड से हूँ। और 12 वार्ड में समस्या है कि बिजली नहीं रहने के कारण कभी मतलब स्विच खराब होने के कारण या तो कहीं पाइप लीकेज के कारण गांव में बहुत बहुत मतलब कठिनाई होता है पानी का जी, जिसमें कि पानी का भी निकासी नहीं है जी, बहुत समस्या। और मेरे वार्ड में ये समस्या है कि वार्ड में आधा भाग पानी नहीं जाता है, दक्षिण उत्तर दक्षिण दोनों साइड में, दक्षिण साइड पानी आ रहा है और उत्तर साइड में जहाँ की वार्ड सदस्य का घर है वहाँ तक सिर्फ पाइप बिछाया हुआ है, वहाँ तक पानी भी नहीं आ रहा है। हम देख सकते हैं आक्रोश पूरा है, जल नल योजना पे ग्रामीण का आक्रोश है। तो चलिए एक वार्ड सदस्य यहाँ भी है, क्या नाम है सर आपका? जयचंद साहब। सर उधर देखिए कैमरा में। तो क्या आपका समस्या है? समस्या यही है कि जैसे नल जल के विषय में जल जो दिया रहता है सप्लाई, फिल्टराइज नहीं देता है, केमिकल नहीं देता है, जो जैसा है वैसा ही एकदम पानी ढले दे रहा है, और कभी देता है कभी नहीं देता है, महीना में 10 दिन 5 दिन देता है, 20 दिन नहीं है देता। किस वार्ड में? 13 नंबर वार्ड में। तो देख लीजिए 13 नंबर वार्ड की समस्या है। जन सुनवाई का कार्यक्रम लगाया गया था, लोग अपना आम ग्रामीण अपना शिकायत को लिखा रहे हैं और शिकायत का दूर अब देखिए कब तक होता है, वीडियो में बने रहिएगा। तो चलते हैं, एक गोपाल जी हैं। तो गोपाल जी आप अपना नाम बताइए, आप क्या हैं? आप नाम तो पूछ बताइए रहे हैं हम, आप नाम बताइए। गोपाल मंडल नाम है, खैरा वार्ड संख्या 9 से वार्ड मेंबर है। और सबसे बड़ी समस्या मेरे वार्ड में यह है कि जब करंट रहती है, बिजली रहती है, तब पानी आता है, करंट या बिजली नहीं रहने के बाद पानी ऑटोमेटिक कट जाता है, जिसके वजह से कभी कभी 15 मिनट या आधा घंटा ही पानी मिल पाता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे वार्ड के में जो 9 वार्ड में पानी टंकी है उसका पाइप फुल लीकेज है नीचे से ऊपर तक, वो पाइप लीकेज होने के वजह से पानी टंकी में स्टॉक नहीं हो पा रहा, इसी वजह से समस्या है। तो मैं अब मेरा लास्ट था, मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंत तक अगर हम कुछ गलत बोले होंगे, तो मैं अभी नया हूँ सीख रहा हूँ, तो अगर कुछ गलत बोले होंगे या त्रुटि हुई होगी, त्रुटि तो हर इंसान से होती है, मैं तो एक आम नागरिक ही हूँ, अगर कुछ गलत बोले होंगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और मेरी आवाज को पूरे देश और दुनिया तक पहुँचाइए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय खैरा की जनता।